गुरुवार को भगवानपुरा जनपद के करीब 22 गांवों के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर नाराजगी दर्ज कराई। एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर बिजली, गांव में मोबाइल नेटवर्क और सड़क जैसी सुविधाओं को सुचारू करने की मांग भी की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांवों तक बिजली के तार तो पहुंचे हैं, लेकिन उसमें करंट नहीं दौड़ता है। करीब 40 साल पहले गाँव में बिजली पहुंची थी, जिसके बाद विद्युत विभाग की लाइन को अभी तक दुरुस्त करने की सूद नहीं ली है। नतीजतन बार बार लाइट फॉल्ट होती है। क्षेत्र में ग्रिड निर्माण की महती आवश्यकता है। गणेश सेन, भुजन सिंह, धर्मेंद्र, रमेश बड़ोले, गिलदार आदि ने बताया कि गांव में मोबाइल टावर भी है, लेकिन केवल शोपीस बना हुआ है। विकास कार्यों के नाम पर गांव वंचित है। मजबूरन हमें अपनी एकजुटता और जनता की शक्ति दिखाने के लिए 2023-24 में चुनाव बहिष्कार करना पड़ेगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। की मांग चली आ रही है, उसे तत्काल स्वीकृत करवाया जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। कई वर्षों से हमें नेता लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। चुनाव आते समय घोषणा कर जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम सभी 30 से 35 ग्रामों के रहवासी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। वह आगामी 2023 विधानसभा चुनाव व 2024 लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहुल सिरवेल क्षेत्र के ग्रामों में बिजली नेटवर्क, सड़क आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत तहसील भगवानपुरा अंतर्गत आदिवासी बहुल सिरवेल क्षेत्र के ग्राम सिरवेल, रायसागर, खापर जामली, रूपगढ़, अम्बा, उमरिया, सातपाटी, कुमारबेड़ी, मालखेड़ा, नांदिया, गोंटिया, पलासकोट, कुंभी, रायटेमरी, मोहराड़ी, कलासंबा, डुलगा, तितरवांगली, जामनियापानी, मलकवाड़ी, तुरोनिया, हवलदारी आदि ग्रामों के हम निवेदन करते हैं कि हम लोग वर्तमान में बिजली झेल रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। कोई भी पार्टी या नेता हमारी समस्या को शासन प्रशासन के समक्ष रखने वाला नहीं। आज से 40 साल पहले जो विद्युत लाइन डाली गई। खरगोन जिले का दूरस्थ ग्रामीण अंचल सिरवेल, जो वन ग्राम क्षेत्र में आता है, लगातार वहाँ की समस्या सुर्खियों में बनी रही है। आज वहाँ के ग्रामवासी खरगोन जिला मुख्यालय पहुँचे, किन समस्या को लेकर आप यहाँ पर आए? हम लोगों की बड़े लंबे समय से समस्याओं और उसके ऊपर मांग चलती आ रही है, लेकिन हम करीब 2010 से लगाकर अभी 2022 आ गया, जब से हम लोग समस्याओं के बारे में मांग करते आ रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग करीब 30 से 35 गांव के निवासी यहां पर कलेक्टर कार्यालय में मेन हमारी जो बिजली की समस्या है, मेन हमारा जो नेटवर्क की समस्या है, मेन हमारा जो रोड की समस्या है, उसके संबंध में यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और अगर हमारी समस्याओं का यहाँ पर कोई भी हल नहीं होता है तो हम आगामी 2023 और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसका पूर्ण रूप से 30-35 गांवों के लोग मिलकर बहिष्कार करेंगे। क्या आश्वासन दिया आपको? हमें अभी आश्वासन मिला जो बिजली की हमारी समस्या, हमारे यहाँ ग्रिड तो जो स्वीकृत हुआ है, लेकिन उसको वन विभाग की ओर से स्वीकृति अभी नहीं मिली, यह कारण हमको यहाँ बताया जा रहा है। 2010 से आप लोग परेशान हो रहे हो, इस दौरान 3 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव भी आप लोगों ने देखे, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता भी आपके क्षेत्रों में आए, आपको आश्वासनों का कोटला भी दिया गया है, बावजूद इसके आपकी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए आए हैं। जो भी चुनाव हो रहे हैं, 2013 के चुनाव से लेकर 2018 में चुनाव हुए, हमको जो भी सांसद या विधायक आता हुआ यही बोलता है चुनाव के समय में कि आपकी ग्रिड की स्वीकृति हो गई है, अभी चुनाव के बाद आपके यहाँ ग्रिड चालू हो जाएगा या आपका नेटवर्क हो गया, लेकिन हमको ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। दोनों पार्टियों से कोई भी पार्टी हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर रही, और वर्तमान में बीजेपी करीब 20-22 साल से शासन कर रही है, उसके बावजूद हमारा कोई भी यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। अगर अब आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है, अगर नीति क्या रहेगी? अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आगामी समय में 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के जो विधानसभा चुनाव में हम लोग लोकसभा चुनाव में हम 30 से 35 गांवों के लोग मिलकर चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को किसी भी प्रकार से वोट नहीं देंगे। नाम लिखते हैं? मेरा नाम विकास सेनानी, ग्राम पंचायत सिरवेल, पूर्व सरपंच। धर्मेंद्र नहीं बैठे, वो तो ज्ञापन देने आए थे और अभी उन्होंने विधिवत ज्ञापन दे दिया है, उनसे कम्युनिकेशन है और ज्ञापन दे दिया, धरने वाली कोई बात ही नहीं है अभी। क्या मुख्य मांग क्या है? क्योंकि मुख्य मांग वहाँ पर विद्युत सप्लाई है कंटिन्यूटी, और एक पानी है वहाँ उसके अतिरिक्त, और एक मोबाइल टावर से रिलेटेड इशू है। अभी उनसे चर्चा हुई है, वो सभी लोग सहमत हो गए, माननीय कलेक्टर साहब ने सभी चीज़ों संज्ञान में ले लिया है।
सर वहाँ पर जिस तरह से ग्रिड की स्वीकृति होने के बाद में फॉरेस्ट से जो अनुमति लेने की समस्या आ रही है उसको लेकर के चर्चा की जाए। हाँ वही थोड़ी सी फॉरेस्ट के एक्ट के अंतर्गत ही अनुमति प्राप्त होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें रहता है, ग्रिड की तो अनुमति प्राप्त है तो वो विधिवत ले ली जाएगी और शीघ्र जब भी जैसे अनुमति हुई हम काम प्रारंभ कर देंगे। सर एक और जहाँ प्रशासन का आयुष्मान कार्ड पे प्रेशर बनाया जा रहा है और उस आदिवासी अंचल में नेटवर्क की दिक्कत है तो नहीं नहीं, आयुष्मान कार्ड तो जनता के हित के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, वो तो एक हर व्यक्ति का बनना चाहिए क्योंकि कार्ड बनेगा नहीं है ना सर तो कैसा बनेगा। उसमें जहाँ भी नेटवर्क होता है वहाँ पर बना रहा है कार्ड, और शासन तो चाहता है प्रत्येक जनता को सेवा मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।